नमस्कार। क्योंकि आज हम बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं क्रिस्पी सी शुरुआत की जाए। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी स्नैक, जिसमें हम बनाएंगे हैश ब्राउन पोटैटोज निधिगर कलाकृति में। अब निधिगर कलाकृति से जुड़े हैं तो कुछ तो करारा होना चाहिए। सबसे पहले इसके लिए हम कुछ आलू बॉयल कर लेंगे। आलू को बॉयल करके छील लीजिए और उनको ग्रेट कर लीजिए। इसमें आप 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डालिए। कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप अरारोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च, आप अगर हरी मिर्च खाते हैं आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके अंदर सॉल्ट डालिए, और इसमें डालेंगे हम 1/2 कटोरी भर के ग्रेटेड चीज़। मैं यहाँ मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसे हल्के हाथ से मिलाएंगे। सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, आप इसके अंदर थाइम भी डाल सकते हैं। ये हर्ब्स इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। बहुत ज़्यादा इसको हमें दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। जब ये कॉर्नफ्लावर सारे आलूओं के ऊपर अच्छे से लग जाए तब आप इसे हाथ में लेकर के हल्के हाथ से शेप कीजिए। आप इन्हें कटलेट की तरह शेप कर सकते हैं। दोनों हाथ का इस्तेमाल कीजिए, हमें कोई पानी या तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, ये ऐसे ही बाइंड हो जाएंगे। बस इसी तरह पहले सब हैश ब्राउन्स को शेप करके एक प्लेट में रख लीजिए। जब ये तैयार हो जाए करीब 15-20 मिनट के लिए इन्हें फ्रिज में रखिए। फिर इन्हें फ्रिज में से निकालिए और एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए। जब तेल अच्छा गरम हो जाए तब इन्हें धीरे धीरे एक एक करके छोड़िए। क्योंकि इसका टेम्परेचर ठंडा है इसलिए हम इन्हें एक साथ नहीं छोड़ेंगे। और इन्हें टच मत कीजिए क्योंकि इसमें चीज़ है, ये आपकी करछी से लग करके फट जाएंगे। जब ये तला छोड़ने लगे या आपको लगे ये सिकने लगे हैं तब इन्हें धीरे से करछी की मदद से पलट दीजिए। इसी तरह दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेकिए। बस ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें निकालिए, एक बटर पेपर के ऊपर डालिए, इनका तेल हटा दीजिए और इन्हें किसी भी डिप के साथ सर्व कीजिए। हम कई तरह के डिप्स हम अपनी रेसिपीज में आपको बता चुके हैं। तो बस इसी तरह और मज़ेदार क्रिस्पी रेसिपीज के लिए जुड़े रहें निधिगर कलाकृति के साथ। अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।